Now come to next variety of example. Suppose that 1000 memory references, there are 40 misses in L1 memory and 20 misses in L2 memory. Assume that the miss penalty from the L2 memory to main memory is 100 cycles. The heat time of L2 memory is 10 cycles and heat time of L1 memory is 1 cycle. If there are 1.5 memory references per instruction, what is the average stall cycles per memory reference and what is the average stall cycles per instruction? Now, ab sunna bahut acche se, jis way mein main ye question solve kar raha hun, procedure aapko clear hona chahiye, usse आपको इस वैरायटी के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे. गॉट द पॉइंट? नाउ अब बहुत ध्यान से सुनना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉल साइकल्स. स्टॉल साइकल्स मतलब एक्स्ट्रा साइकल्स जो हमको लग रही है ड्यू टू मिस. बात समझ में आई? अगर वो मिसेस ना होते तो फिर ये स्टॉल साइकल्स होती ही नहीं. बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं सीपीयू लेवल 1 मेमोरी, लेवल 2 मेमोरी और मेन मेमोरी. लेवल 1 और लेवल 2, कैश लेवल 1 और कैश मेमोरी लेवल 2 हो सकती है. कोई भी मेमोरी किसी भी वे में हो सकती है. तो यहां पर सिर्फ लेवल 1 और लेवल 2 मेमोरी का नाम जिक्र है, कैश सच गिवन नहीं है. नाउ अगर सब कुछ हीट होता तो एक क्लॉक साइकल्स पर मेमोरी रेफरेंस में काम हो जाता. बट L1 से मिस है 40, मतलब मुझको L2 में जाना पड़ रहा है कितों के लिए? 40 के लिए. और L2 से मेन मेमोरी जाना पड़ रहा है कितनों के लिए? 20 के लिए. हाँ या ना? अगर मैं बोलूं टोटल स्टॉल साइकल्स तो कितनी है? 40 इंटू लेवल 2 का हीट टाइम. व्हाट इज हीट टाइम ऑफ लेवल 2? दैट इज 10. एंड 20 के लिए हमको लेवल 2 से मेन मेमोरी की मिस पेनल्टी गिवन है, दैट इज 100. दैट इज 2400 क्लॉक साइकल्स. मैं क्लॉक नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो अंडरस्टूड है, किसी और की तो साइकिल हो नहीं सकती वो. नाउ 2400 साइकल्स क्लियर है? नाउ टोटल स्टॉल साइकल्स 2400 फॉर 1000 मेमोरी रेफरेंस. हाँ या ना? 2400 साइकल्स. तो एक मेमोरी रेफरेंस के लिए 2400 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज 2.4 साइकल्स स्टॉल साइकल्स. यहां आप लिख सकते हैं दैट इज स्टॉल साइकल. 2.4 स्टॉल साइकल्स पर मेमोरी रेफरेंस. फर्स्ट का आंसर इज 2.4. क्लियर है? नाउ मैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज है, मैं आपको मल्टीपल वेज इसलिए नहीं बता रहा हूं, जितने ज्यादा तरीके आपको पता होंगे उतने ही ज्यादा कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगे. बात समझ में आई? जबकि ले दे करके सबका जो एक मोटिव होता है कैलकुलेशन का वो सेम होता है. नाउ अब बहुत ध्यान से सुनना, व्हाट इज द एवरेज स्टॉल साइकल्स पर इंस्ट्रक्शन. सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं आपको जो बोल रहा हूं वो सुनना. वन मेमोरी रेफरेंस के लिए 2.4 स्टॉल साइकल्स मानते हैं, है ना? नाउ एक मेमोरी रेफरेंस से क्या एक इंस्ट्रक्शन बन रहा है? नहीं,
1.5 मेमोरी रेफरेंस, मतलब मल्टीप्लाई बोथ साइड 1.5 into 2.4. नाउ 1.5 मेमोरी रेफरेंस को आप एक इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, यस, एंड दिस इज 3.6 स्टॉल साइकल्स. व्हाट इज द आंसर ऑफ सेकेंड वन? दैट इज 3.6, दैट इज स्टॉल साइकल्स. गॉट द पॉइंट? शॉर्टकट ये है. नाउ मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका बताता हूं. सुनिएगा, हमको ये पता है, सुनना, 1000 मेमोरी रेफरेंस के लिए, 1000 मेमोरी रेफरेंस के लिए मुझको 2400 स्टॉल साइकल्स लगी है ना. नो, 1000 मेमोरी रेफरेंस के लिए स्टॉल 2400 स्टॉल साइकल्स लगी. एक मेमोरी रेफरेंस के लिए अगर मैं इसके देखूं, फॉर 1.5 मेमोरी रेफरेंस पर इंस्ट्रक्शन, बात समझ में ही, सुनना, अगर मैं बात करूं 1000 मेमोरी रेफरेंस के लिए 2400, तो एक मेमोरी रेफरेंस के लिए, या फिर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, हाँ, 1.5 मेमोरी रेफरेंस, 1.5 मेमोरी रेफरेंस पर इंस्ट्रक्शन, 1.5 मेमोरी रेफरेंस पर इंस्ट्रक्शन, तो एक मेमोरी रेफरेंस के लिए 1.5 इंस्ट्रक्शंस है ना. वन मेमोरी रेफरेंस के लिए 1.5 इंस्ट्रक्शन, फॉर 1000 मेमोरी रेफरेंस के लिए 1000/1.5 इंस्ट्रक्शंस है ना. नाउ ऐसा हम जानते हैं कि इसके लिए 2400 स्टॉल साइकल्स लगी, तो एक इंस्ट्रक्शन के लिए 2400 × 1.5/1000 अल्टीमेटली व्हाट वी गेट, 2.54 × 1.5 जो अपन ने निकाला. बस समझ में आई? एक तो प्रोसीजर ये है और दूसरा जो मैंने पहले बताया, व्हाट वन इजियर, फर्स्ट वन जो मैंने बताया, बात समझ में आई? तो ये पैटर्न ध्यान रखिएगा, बस समझ में आई? पहले आप स्टॉल्स निकाल लीजिए, फिर उस स्टॉल को जितने मेमोरी रेफरेंसेस हैं, आपको क्वेश्चंस पर इंस्ट्रक्शन पूछा है ना, उसके लिए, अगर पहले क्वेश्चन के लिए तो हमने क्या निकाला, सिंपली वन मेमोरी रेफरेंस के लिए. नेक्स्ट, इस पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज दैट, व्हाट इज द एवरेज क्लॉक साइकल्स पर मेमोरी रेफरेंस, व्हाट इज द एवरेज क्लॉक साइकल्स पर मेमोरी रेफरेंस. अब सुनना, ये स्टॉल्स हैं, ये स्टॉल्स हैं, 2.4 एक्स्ट्रा लगा पर मेमोरी रेफरेंस, लेकिन अगर 100% हीट होता तब भी आपको एक साइकिल तो लेवल वन के लिए लगता ना, तो 1 + 2.4 इट्स 3.4 क्लॉक साइकल्स पर इंस्ट्रक्ट मेमोरी रेफरेंस, वन मेमोरी रेफरेंस. क्लियर है? ये तब जब लेवल वन मेमोरी का हीट टाइम 1 क्लॉक साइकिल है तब. बस समझ में ही? इज देयर एनी डाउट?